गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो अब हम पतंगबाजी की सीरीज़ बनाएंगे। पहला ब्लॉग अपलोड कर दिया, जिसने नहीं देखा जाके जरूर देखो। तो भाई मैं दिखा देता हूँ, प्रीत भाई अपना कल रात आपको बताया बारिश आ गई थी, मतलब सुबह भी आई थी, रात को भी आई थी, और शाम को जब हम पतंग उड़ा रहे थे तब भी आ गई थी। तो प्रीत भाई उसको साफ कर रहा है। आज पतंगें उड़ने लग रही हैं, एक पतंग ये रही, बाकी उस साइड उड़ रही हैं अगर दिख रहा है तो ये जी। कहने का मतलब ये आज पतंगें उड़ रही हैं, अभी मतलब एक पतंग और उड़ने लग गई, यानी कि कम से कम जिसके साथ हम पेचे लड़ा सकते हैं कम से कम चार पांच पतंगे तो हैं ही, और एक और उड़े मतलब अभी उड़ा रहे हैं भाई एक और। तो आ जाएगा बिल्कुल मज़ा, क्योंकि भाई अब नहीं लग रहा कि बारिश होएगी। तो बढ़िया तरीके से सारा ब्लॉग देखना भाई, प्रीत भाई पूरी मेहनत कर रहा है ताकि हम बढ़िया तरीके से पतंग उड़ा सके। ये साफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है, मान लो दो लपेटनी पड़ती है तो पानी में होते ही मतलब पानी लगते ही वो कच्ची हो जाती है, तो इसलिए। और अभी एज यूजल हमारी बच्चा पार्टी आने वाली है, आज भी वो स्कूल का काम कर रही है, तो सरदार जी भी आएंगे तो दिखाते हैं ब्लॉग में क्या क्या होता है। तो भाई हमने पतंग उड़ा ली है, ये रही हमारी पतंग, आज तो बिल्कुल भी हवा नहीं है, बाकी देखो एक एरी इससे करेंगे हम पेचे आज। गाइस करा तो था पर करना पड़ेगा दोबारा। हाँ ये ना थोड़ा हवा नहीं है आज, बिल्कुल भी हवा नहीं है गाइस, बिल्कुल भी हवा। देख आज मैं अलग तरीके से शूट कर रहा हूँ वीडियो, तुम्हें दिख रही होगी ना, आज मैं बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ। मैं हमेशा फ्रंट कैमरे से करता था, किसी ने सलाह दी कि बैक कैमरे से शूट करा करो, तो कोई नहीं अब हम बैक कैमरे से शूट करते हैं, क्या करें, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए ज़िंदगी में। बता देना इसको, हाँ यो आराम आराम से, यो इतना भी ना इतनी मुश्किल से बताई यहाँ तक मैंने। हाँ थोड़ी थोड़ी करके बतानी पड़ेगी, ऊपर ठाटे ठाटे, हाँ गिर जाएगी। कोई नहीं भाई, आज तो उम्मीद है कि बारिश ना हो भाई, क्योंकि दो तीन बार होली पहले। ओ गाइस अपना भाई आ गया, सरदार जी किवें आ गए? बढ़िया बढ़िया, तुसी लंदा मैनू पता तू पुठिया करदा, तू सीधिया करदा कद अब जाने लगी ना गहनी। ये पतंग वाकई में बहुत बढ़िया है, ये मतलब अब तक की सबसे बढ़िया पतंग है। दोबारा बता, कुछ सीखने को मिला एक छोटे से बच्चे से कल। तो इसने प्रीत के भाई से सीख लिया कि पतंग कैसे उड़ाते हैं छोटे से बच्चे से। ओ वीरे चक्कर ले हुने नू, खेचा नहीं खेचना नहीं ऊपर था, अरे यो देख यहां गिरन लग रहा है इसने करते ना। ठीक है भाई जल्दी आइयो, है इतना हम एक दो पतंग काट दा, बाय कर दे कैमरे में जी। मैं कहने लग गया तो मजाक करूं था, ऊपर आवा चक्कर ला हुना उसके साथ पेचे करेंगे। वीरे स्वाद आंदा सही था, मजा लग रहा है, मोटा आंदा हुआ। हाँ चलो बढ़िया, आना चाहिए बस सही है। गुड्डी सीख रहा था जट दी है ना, गुड्डी कहते ना इनू। चलो माड़ी मोटी पंजाबी तो मैनू भी आंदी है यार। भाई आज तो फिर भी मतलब पतंग उड़न लग रही है, सही है वहाँ बंदर भी हैं, तीन चार पांच बंदर हैं, एक ये रहा। कॉमेडी करती हो, ओ पचास रुपए तक कट ले मेरे ओवर एक्टिंग दे, सौ कटने पैने। चल तू सौ कट ला यार, तेरी मर्जी आ वीरे, हूँ मैनू उड़ान दे, मैं पैसे कर ला। ले ते हूँ कैमरा पकड़ ले वीरे, कैमरा फड़ ले तू, मैनू बड़ा बड़ा फोन है। गैनी को पैसे मैं कहूँगा गैनी यार तेने वीडियो तो बनानी नहीं आती सही तै, नहीं मेरे इदा चढ़ाई था पतंग सर से कि आते पे वो ही। अच्छा कीले वालों के साथ पैसे करने का भी मूड नहीं है कर यार, जाना असी कारा दे ते आना अखबारा दे, देखिए तुम किस तरह होगी पता नहीं। कमेंट भी कर दिया ना यार, झूठ बोला एक भी कमेंट नहीं आया अब तक, करा था करा था के। चलो सही है भाई ने क्या तो जरूर करा होगा।
बाकी मौसम तो आज भी बढ़िया है, मतलब सावन के महीने में मौसम बढ़िया रहा है ना, नहीं लेकिन इस बार नहीं रहा, इस बार नहीं रहा, पर फिर भी ठीक है, अब भी ऐसी बात तो नहीं है। देख यार यो नू इतनी पास पास ते लान लग रहा है यार, हम कुकर करना चाहते तो यार थोड़ी सी बता ले पतंग ने, पता भी तो नहीं कौन उड़ा रहा है, अगर कोई होता जान पहचान का तो फोन कर देंगे ना। कल तो एक पतंग काट दी थी मैंने, एक ही एक मैंने। चलो दीवा अभी अभी ऊपर जा रही है बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है यार हमारी पतंग कट गई। असल में पतंग कटी ही थी, उन्होंने काटी मारी थी बीच में और फिर खींच ली, तो उसकी वजह से कट गई। अब हम दूसरी पतंग उड़ा रहे हैं, उल्टा पकड़ लूंगा मैं, चल हवा लग गई डोर की गल गल हवा पलट गई ये आ गए, यो करेगा पेचे, क्यों भाई करेगा पेचे और इतने पेचे करने और उनकी काटी थी ना सही में काटी थी और गैनी शेम ऑन यू शेम ऑन यू तू कर जा तू ने चला दे आज तक एक पतंग काटी है सच बता पतंगे नहीं उड़ानी आंदी पतंगे नहीं उड़ानी आंदी भाई के करा इतने जी से जब एक पतंग उड़ रही है ये रही। अरे बाकी ईव करके देख ले इसके गले पे चेक कर दो उसको, हाँ थोड़ी सी उतार ले तो अब देखेंगे क्या आएंगे। बाकी जमा सर पर बेचते लग रहे हैं, बाकी ये पता है क्यों क्यों नहीं बदान लग रहे हैं, इनके दौरा है दौर कम ना पोते देखिए देखिए हाँ और देख 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 कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई प्रीत देख जी कल मैंने एक पतंग काटी थी आज तेने काटनी है और मैंने एक कटवा ली कल तेने कटवा ली ठीक है आज तेने एक पतंग काटनी है भाई ग्राउंड में देख थी तो गाइस ये वही है जिसने मेरी जिंदगी खराब करी है मैं इसको पहले से माफ करता हूं देखो उन्होंने ना अपनी जान में बदा रखी है कर ले भाई कर ले ऊपर तय वो कर कैसे लपेट ना हो गए देख 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 सियाने हैं ओड़े ओड़े कौन हो रहे हैं कौन हो रहे भाई लगे भाई कुकर होने लग रहे यार पेचे देख अरे लग गया था देख वीडियो ऐसे लगा था कौन हो रहे थे लगा था एक बार होए थे गन्नी एक बार तो
हमारी पतंग दिखा दे एक बार, जूम कर दे, मतलब इतने दूर तक दिखा, इतने दूर तक पिच हो गए थे हमारे, मतलब नहीं लगा था कि दोबारा काटी मार के तोड़ेंगे पतंग, मतलब ज्यादा ऊंचे थे तो काटी मार नहीं पाए, पर अगले वाले की मैंने पतंग काट दी, बहुत मजा आया, मतलब कहने इंटरेस्टिंग पिच थे बहुत ज्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग, डोर भी लग गई मतलब लगी, कुछ भी होगा नहीं, ये वाले पिच इंटरेस्टिंग, पानी तो लेकर नहीं आता, पहले पानी फिर पिच करवा, देख कोई नहीं, तू नीचे जाओगा ना वो मिल जाएगा तने, लाभ दे जाइयो, देखो भाई बोले पानी पहले थोड़ा ही, मतलब ये ना पानी नहीं ला रहा था तो हमने कहा कि पेच करवा देंगे, पानी ले आ तो कह रहा है भाई अभी ले गया गाइज, हमने एक पतंग काटी, ये रही हमारी पतंग और ये रही, हाँ ये रही, अब तो एट्रिक होगी भाई, एट्रिक, ये एट्रिक होगी भाई, हाँ आगे चल, अब आगे करेंगे, बाकी तीन पतंग लगातार काटी है भाई, तीन पतंग लगातार, मजा आ गया, कल तुम्हारा क्या, कल तुम्हारा पोपट हो गया था भाई, एक पतंग काट दी, एक और काट दी, सही है, सही है। अच्छा दिखी दिखा तुझे, तो अब हम पानी पियेंगे गाइस, सो गाइस अब देखो उन्होंने उड़ा लिया पतंग, एक बार फुक से वहाँ पे उनको दिखाओ, उनको उनको, हाँ अब करें बता तो ले ओ, तो उनके साथ करेंगे हम पेचे, लगातार हमने तीन पतंग काट दी, चौथे का रिकॉर्ड बनाएंगे अब हम, हाँ कल कितनी काटी थी अपनी, कल एक भी नहीं, कल तो ना कल एक कटी थी, एक काटी थी और दो कटवाई थी, हाँ ना कल एक काटी, दो काटी थी, हाँ एक काटी थी और दो, दो काटी थी, एक कटवाई थी, उपर कितना नकली है, वहां जाके अकेला आइसक्रीम खान लग गया, अकेला बहुत ज्यादा गलत बात है भाई इसकी, दो गला इंसान, दो गला इंसान, देखा देख कुकर यार, देख पीछे दे दो ले आऊंगा बहुत गलत बात है भाई गन्नी की, हाँ तार लो भाई, कहाँ गई अपनी पतंग, दिखने नहीं लग रही, हाँ लपेट लेंगे, ये है भाई देखो, ये रही डोर, ये रही हमारी पतंग और ये नीचे से आने लगी, अब थोड़ी सी लपेटते हैं फिर पेचे करके दिखाते हैं हम आपको, कोई नहीं भाई अब हम उनके साथ पेचे करेंगे, ये अपनी पतंग नीचे जाने दी, बाकी वो बता रहे थे नीचे थे हो गए।
गेंदा के लली पेट अगर ओ छूट गए हां छूट गए मजा हो रहे थे मैं सुना दे हुआ ना हम लोग छूट गए ने हो गए लग गया था अब तो हुआ हां फिर हो गया ऊपर तक मैं क्यों नहीं करने जरा क्योंकि वो अपने जितना फोन पे बनाया था वो बिना एटीएम बन गया था ना नहीं बना था ना वही तो मैं नहीं बोलूंगा ही बोलूंगा भाई पूरा बढ़िया रहे होंगे भाई था एक संकट आई रहे यानी यानी कट है मैं तेरे तेरे मुंडे मारूंगा बड़े मुंडे कट दियो तू काल जवान ढल गया कर बनी काल की दाल बारिश भी आ गई थी नहीं तो तुम कट हो जा चंचल पीछे आ जा अब पतंग का पता नहीं अरे मैं क्या करूं दिख ही नहीं ऐसा कट आई जे अपने पतंग का पैर को अपनी तो भाई ऊपर जा रहा है तक की नहीं अपनी है पता उनके कटाई भैया को रा लिया इसको उनके बार तो झटका मारने एक बार टी जान दे एक बार उनकी कटाई की है यो भगवान उनकी कटाई गए मेरे घर जाओगी उनके घर आए रे भगवान जी का आस्था बने लाओ उनकी कटाई की है अरे ओ नीचा चिकड़े होगी तन तोड़ लो मारी ना खींचे अरे मारी अरे ओए मानसू ए मारी मत खींचिए तारी पतंग तोड़ ले आगे अरे तारी तोड़ ले मारी मत खींच तोड़ ले आगे ते और की कर लियो कर ली पतंग नहीं दिखाई ये दूर कर रहे हैं काटी मारने के लिए ना ना ऐसा नहीं है बदान लग रहा है वो दोनों खींची थी ना सो गाइस आज हमने कितनी पतंग काटी भाई पांच पूरी पांच पतंग काटी है भाई अरे पतंग कटी है बस हाँ अब ना एक क्यों कटी है दो पतंग कटी है और पांच पतंग काटी है भाई बिल्कुल बढ़िया मजा आ रहा है भाई पतंग उड़ान में आज का दिन बढ़िया है बिल्कुल बढ़िया हाँ मेन बात तो ये हमें टाइम मिल गया बारिश नहीं हुई ना बारिश हमें गन्ने में कितना टाइम हो गया हुआ तीन घंटे हो गए सर सीरियसली सात दस हो गए हम कितने बजे आए थे पाँच वाओ मतलब टाइम का बिल्कुल नहीं पता चल रहा सबसे बढ़िया टाइम पास है भाई पतंग उड़ाना लोगों ने मशहूर रखी होनी है पर मित्रा ने मुझ रखी है तो गाइस अभी दो पतंग आ गई और मैं दिखाता हूँ हाँ अपनी पतंग कटी हुई देख गन्नी अपन उनकी पतंग काटी है उन्होंने हमारी पतंग लूट के उड़ान लग गए पर नहीं स्टार्टिंग में ऐसा है कि क्या पता हमारी डोर हो उनके पास बाद में वो उसके साथ कंटिन्यू कर दे अरे बदाल हो इस बार मैंने उम्मीद तो नहीं थी मैं पतंग काट के वो कर देंगे पर कोई नहीं इन्होंने बदा ली दोबारा भाई तो उनके साथ करेंगे अब दोबारा पेचे एक पतंग काट चुके हैं हम ऑलरेडी मजा आएगा पूरा बढ़िया तरीके से देखते हैं इस बार पेचे करेगा प्रीत सारा भाई तारा निकल के दिखा तारा भाई जोगिंदर हाँ यार कैसी बात करे यार प्रीत तारा भाई प्रीत बेंच करे इस बार पतंग काटते हैं उनकी सारी तारा भाई प्रीत ऐसे पेचे करेगा किसी ने सोची नहीं होगी छत्तीलाल हो जाए करके दिखाई एक्टिंग उसकी के होया जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर अरे इतने लड्डू खा जाएगा इतने लड्डू खा जाएगा किसी ने सोची ना होगी मान गए भाई सो गाइस हमने दो पतंग और काट दिए टोटल कितने पतंग काट दिए सात भाई हमने सात पतंग काट दी टोटल मतलब बढ़िया कल भी भाई सिर्फ 5 बजे आएंगे और सात आठ पतंग काट के जाएंगे तू टाइम पा जिए हाँ भाई मैं दुकान पर होता हूँ ना तो मैं आ जाऊँगा टाइम पे कोई नहीं मतलब फुल मज़ा आ रहा है भाई जुम्मा फुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से सात पतंग काट दिया आज कल तो भाई इतनी नहीं हुई थी कल तो बारिश आ गई कल बारिश आ गई थी काटनी तो कल भी थी तो अब हम पतंग उतार रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो भाई धन्यवाद जय श्री राम